भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 7 जून से लेकर 11 जून के बीच लंदन के ओवल मैदान पर खेला जाएगा। लेकिन इस महामुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। आईसीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जानकारी शेयर की है। 36 साल के डेविड वार्नर ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी टेस्ट के बाद वो टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच जनवरी 2024 में टेस्ट सीरीज खेली जानी है और उसी सीरीज में डेविड वार्नर टेस्ट क्रिकेट को बाय बाय करेंगे या कहे कि अपना अंतिम मैच खेलेंगे। क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट या कहे कि टेस्ट क्रिकेट में वार्नर पिछले लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 17 टेस्ट मैचों में वार्नर के बल्ले से केवल एक शतक निकला है। हालांकि वो पहले भी कह चुके हैं कि वो इस साल भारत में होने वाले 50 ओवर के वनडे वर्ल्ड कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। आईसीसी की वेबसाइट के मुताबिक वार्नर ने हाल ही में टेस्ट में संन्यास को लेकर बात कही थी। वो जनवरी 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी टेस्ट के दौरान संन्यास का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे हैं कि सिडनी क्रिकेट उनका होम ग्राउंड है और इसी मैदान पर वो अपना अंतिम मैच खेलकर विदाई लेंगे। वार्नर ने कहा है कि जब आप क्रिकेट मैच खेलते हैं किसी भी फॉर्मेट में तो आपको रन बनाने होंगे। मैंने हमेशा कहा है कि मैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और एशियज सीरीज के बाद पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली सीरीज में आखिरी बार खेलूंगा। बाएं हाथ के बल्लेबाज डेविड वार्नर ने साल 2009 में साउथ अफ्रीका के साथ क्रिकेट में पर्दापण किया था। वैसे अब तक उनका करियर शानदार रहा है। उन्होंने 102 टेस्ट मैचों में 8,158 रन बनाए हैं। इस दौरान वार्नर ने 3 दोहरे शतक, 25 शतक और 34 अर्धशतक भी लगाए हैं। उनका टेस्ट इंटरनेशनल में बेस्ट स्कोर 335 रन रहा है। वे भारत, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान समेत कई बड़ी टीमों के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं।